हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 2 साल के बच्ची के लिए ये स्कर्ट बनाने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा दिखता है सिलने के बाद। तो हमने ये फैब्रिक लिया है, इसके लेंथ और विड्थ है 14 इंच। इस तरह का डबल फोल्ड में है हमारा फैब्रिक, तो इसको क्रॉस फोल्ड कर देंगे। इस तरह से क्रॉस फोल्ड करना है। और यहाँ से कमर का माप लेना है हमें। हमारे बेबी की कमर है 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर से 7 इंच पर निशान लगाना है और सीधी लाइन खींच लेनी है। और ऊपर के कॉर्नर से 14 इंच लेना है पूरी गोलाई में। और राउंड शेप में कट कर देना है। सेम निशानों पे हम कट लगाने वाले हैं। तो ये देखो हमने कट कर लिया है। अब नीचे फ्रिल आएगी तो इसके लिए भी कटिंग कर देनी है। ये देखो हमने फ्रिल की भी कटिंग कर दी है। तो हमारा ये 2.5 इंच की फ्रिल आएगी नीचे से। तो पहले इस फैब्रिक को अटैच कर देना है। ये देखो हमने फैब्रिक भी अटैच कर दिया है। अब छोटे छोटे प्लेट्स लगाते हुए अब फ्रिल अटैच करनी है हमें स्कर्ट में। देखो इस तरह से पूरी गोलाई में आएगी ये फ्रिल छोटे छोटे प्लेट्स लगाते हुए। यहाँ सिलाई लगानी है। ये देखो हमने पूरी फ्रिल अटैच कर दी है पूरी गोलाई में। बहुत अच्छी दिखती है ये देखो। इस तरह से फ्रिल अटैच करनी है हमें और ऊपर से प्रेस सिलाई भी लगा दी है। अब इसके लिए अस्तर की भी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह फोर्थ फैब्रिक करके क्रॉस फोल्ड करना है और इधर से कमर का नाप लेना है। कमर का नाप हमने 5.5 इंच ले लिया है और कमर के नाप से 8 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से सीधी लाइन खींचते हुए कट कर देना है फैब्रिक हमें। हमारे अस्तर की भी कटिंग हो चुकी है अभी, तो हम इसकी सिलाई कर देंगे अब। इस तरह से सिलाई लगानी है फिटिंग में और बॉटम में भी फैब्रिक फोल्ड करके पूरे राउंड शेप में सिलाई लगा देनी है। और नेट को भी फिटिंग की सिलाई लगानी है। नहीं है ये देखो हमने सिलाई लगा दी है और बॉटम को भी लगा दी है सिलाई और नेट को भी सिलाई कर दी है। अब हम अस्तर और ये ऊपर के नेट अटैच करेंगे। तो इस तरह से दोनों फैब्रिक सीधे कर देने हैं और इस तरह से पकड़कर ऊपर से सिलाई लगा देनी है ताकि इलास्टिक लगाने में आसानी हो जाए। देखो इस तरह से सिलाई लगा देनी है हमें। ये देखो हमने सिलाई भी लगा दी है। अभी इलास्टिक के लिए फैब्रिक कट कर देंगे। हमने 3 इंच का फैब्रिक कट कर दिया है और इलास्टिक भी ले लिए 17 इंच की। तो पहले फैब्रिक को जोड़ देंगे स्कर्ट से। तो ये देखो हमने ऐसा डबल फोल्ड करके फैब्रिक को जोड़ना है पूरे गोलाई में। ये देखो हमने प्रेस सिलाई भी ऊपर से लगा दी है इस तरह से। अभी पिन की मदद से इलास्टिक को अटैच कर देना है हमें स्कर्ट में। देखो इस तरह से। ये देखो हमने इलास्टिक अटैच कर दी है
अभी इलास्टिक को पैक करते हुए सिलाई लगाना है हमें। देखो यहाँ से सिलाई लगानी है। देखो हमने सिलाई भी लगा दी है यहाँ से। अभी पूरी तरह से इलास्टिक अटैच हो चुके हैं हमारे फैब्रिक में, तो हमारा बन के रेडी हो चुका है। अभी हम बोल लगाने वाले हैं, तो इसके लिए भी फैब्रिक कट कर दिया है। इस तरह से डबल फैब्रिक लेना है हमें रेक्टेंगल शेप में, और चारों कोनों में सिलाई लगानी है। देखो हमने सिलाई लगा दी है। अभी पीछे की तरफ से थोड़ा कट लगाना है और इसको उल्टा कर देना है। ये देखो हमने इसको उल्टा कर दिया है। अब यहाँ सेंटर से छोटे छोटे प्लेट्स लगा के सिलाई कर देंगे सुई से। देखो इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स लगाने हैं और सुई की मदद से सिलाई लगाने है। ये बो बनाना भी बहुत आसान है। देखो इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अब यह छोटी सी स्क्रिप्ट लेके सेंटर में बांध लेनी है। देखो इस तरह से गांठ बांधनी है हमें। थोड़ा सा कॉर्नर से फैब्रिक कट कर देना है, क्रॉस शेप में थोड़ा क्रॉस कट कर देना है। ये देखो हमारा बो बन के रेडी हो चुका है। अभी हम स्कर्ट में इसको अटैच कर देंगे। और सुई की मदद से यहाँ अटैच कर देना है हमें। तो ये देखो हमने अटैच कर दिया है वो, और ऊपर से एक स्टोन भी शो बटन भी लगा दिए हैं। तो इस तरह से हमारे स्कर्ट बहुत अच्छी दिखती है और रेडी हो चुकी है। और आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।